हैं और एक फंडामेंटल नजरिया लेते हैं बाजार का। एक बहुत ही शानदार फंड मैनेजर और हमारे खास दोस्त सिद्धार्थ भैया एक्विटास कैपिटल के हमारे साथ जुड़ रहे बात करने के लिए। सिद्धार्थ की विशेषता ये है कि वो क्वालिटी मिड कैप्स की तरफ बहुत ध्यान देते हैं और अहेड ऑफ द कर्व अपना पोर्टफोलियो में उन्हें जोड़ लेते हैं। जब वो बाद में बाजार की फैंसी बनते हैं तो मोटे मुनाफे में बैठे होते हैं। मैं आपसे मिड कैप स्टॉक पिकिंग और आपने हाल ही में अपने क्या स्टॉक्स ऐड किए उसकी तरफ आपकी ध्यान आकर्षित करूंगा थोड़ी देर में सिद्धार्थ। लेकिन एक बाजार का एक आपसे मुआयना ले लेते हैं, एक व्यू ले लेते हैं कि जो फैक्टर्स इस समय बाजार के ऊपर प्ले आउट हो रहे हैं। मिड कैप्स अंडर परफॉर्म किए हैं रिलेटिवली एज अ बास्केट, लार्ज कैप्स चले और हम ग्लोबल स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत शानदार परफॉर्मेंस पे बैठे हैं, जो लोगों को डरा भी रहा है कि क्या हम आर वी प्रोन टू अ फॉल, क्या हम गिरने की कगार पे तो नहीं है अगर यूएस में और नरमी आई वगैरह वगैरह। एक कॉन्स्ट्रक्ट के ऊपर व्यू दीजिए, उसके बाद हम अपनी बातचीत आगे लेके चलते हैं। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। गुड मॉर्निंग अजय। एंड देखिए अजय, मुझे पिछले एक साल से आप देखोगे तो मार्केट काफी रेंज बाउंड रहा है। भले ही निफ्टी ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है बट आप देखोगे ब्रेथ ऑफ द रैली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। सो मेरा ये है कि भाई अगले एक दो साल तक शायद हम कंसोलिडेशन देखें और बहुत एक नैरो काइंड ऑफ रैली देखें। सो रनअवे बुल मार्केट तो नहीं दिखता मुझे ये लेवल पे, बट हाँ ग्लोबली आप देखोगे तो इंडिया इज हम यू नो वी आर वेरी वेल प्लेस्ड। बाकी और कंट्रीज देखोगे तो चाहे वो यूएस हो या यू नो यूरोप हो, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। ये तो बात आपने सही कही सिद्धार्थ। ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रोथ का भी ये व्यू है कि भाई बाहर तो डी ग्रोथ हो रही है, हमारा देश एक ऐसा मार्केट है जहाँ ग्रोथ है। जब आप अपनी पोर्टफोलियो कंपनियां चुन रहे हैं तो उनकी ग्रोथ का क्या व्यू है? मान लीजिए आपने दो साल पहले या एक साल पहले एक स्टॉक ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में 20% अर्निंग्स ग्रोथ का व्यू लेके और अब 4 quarters डाउन द लाइन क्या वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ आप 18 किया है आपने या 17 किया है, या मैनेजमेंट आपको फीडबैक दे रहे हैं अपने पोर्टफोलियो कंपनी से कि ग्रोथ में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया है? हालांकि ग्रोथ भी वन स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है बट उसके डायरेक्शन में कुछ उतार चढ़ाव दिख रहे हैं अपनी पोर्टफोलियो। देखिए सेक्टरली अजय, सेक्टरली चेंजेस हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, राइट? आज आप देखोगे तो लीडरशिप हैज मूव टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमोबाइल्स, जो दो साल पहले जो दूसरे सेक्टर्स कर रहे थे यू नो उसके कंपैरिजन में आज नए सेक्टर आ गए, चाहे वो ऑटो हो या कमोडिटीज हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फार्मास्यूटिकल हो। तो लीडरशिप हैज चेंज्ड इन द मार्केट। पहले एनबीएफसी काफी अच्छा कर रही थी, आप देखेंगे पिछले एक डेढ़ साल में एनबीएफसी का रिटर्न काफी फ्लैटिश रहा है। बैंक्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं अच्छा कर रही है बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स अच्छा कर रही है। तो लीडरशिप चेंज हो गया है निफ्टी में। निफ्टी में भी आप देखोगे तो इंटरनली जो स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं वो ITC है या कोल इंडिया है या महिंद्रा एंड महिंद्रा है। सो द लीडरशिप इन द मार्केट हैज चेंज्ड, मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपको। मॉर्निंग सिद्धार्थ, प्रियंका यार, जैसे आप बता रहे हैं क्या लीडरशिप चेंज हुई है, आप बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स की बात करें, ऑटो आपको पसंद आता है, ऑटो में आप अब किस तरह के ट्रेंड्स पिक हो रहे हैं, आपको क्या पसंद आ रहा है? क्योंकि हमने एक फेज ये भी देखा जहां पर भी प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड था, जहां पर भी अर्बन मार्केट का ट्रेंड था, वो वाले स्टॉक्स चले थे। क्या अब रूरल डिमांड रिलेटेड स्टॉक्स चलेंगे? ऑटो में कौन सी बास्केट सबसे ज्यादा पसंद आ रही है? देखिए मेरे ख्याल से PVs बहुत अच्छा कर रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल्स, राइट? डिमांड अभी भी बहुत स्ट्रांग है, ऑर्डर बैकलॉग काफी स्ट्रांग है, काफी चीजें उनके फेवर में आ गई है, कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट हो गए हैं, ऑयल प्राइसेस करेक्ट हो गए हैं एंड इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो डिमांड बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। कमर्शियल व्हीकल्स का भी डिमांड अच्छा रहेगा आगे चल के, ट्रैक्टर्स भी अच्छा कर रहे हैं। रही टू व्हीलर्स की बात, हालांकि अभी फिलहाल स्लो डाउन है बट मेरे ख्याल से एट सम पॉइंट इन टाइम वहां पे भी ग्रोथ वापस आ जाएगी। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है सिद्धार्थ, ये जो नई एज वाली कंपनियां हैं इनका ना इतनी उथल पुथल हुई है कि ऐसा लगता है पूरा एक युग सा कंप्लीट हो गया। लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग पे वैल्यूएशन कंसर्न्स थे, मार्केट ने कंप्लीट कर दिया, थैंक यू वेरी मच आपके लिस्टिंग के लिए, थैंक यू वेरी मच आपके वैल्यूएशन के लिए। अब ऐसे भाव पे आ गए हैं कि इतनी बड़ी बड़ी ब्लॉक डील हो रही है, 5-5% इक्विटी बदल देता है एक बड़ा फंड हाउस एक ही दिन में, 10% लेके बैठे थे जब कंपनी शुरू हुई थी, आज 5% ये पागलपन है, ये पागलपन है मेरे हिसाब से। इसमें सप्लाई एंडलेस है,
मैंने करीबन साल भर पहले ट्वीट किया था कि जोमैटो में प्रमोटर शेयर होल्डिंग जीरो है, तो 100% ऑफ द ब्लॉक विल कम टू द मार्केट। चाहे तो ये सब स्टॉक से तो दूर ही रहना चाहिए, इसमें फ्लोट इतना है और सप्लाई इतना है कि ये अभी अभी अलीबाबा ने थोड़ा शेयर्स बेचा है, सॉफ्टबैंक ने बेचा है, इनका 120 डे का लॉक इन होगा, उसके बाद में वापस आ जाएंगे बेचने के लिए। तो ये सब शेयर से तो दूर ही रहना चाहिए, इनके वैल्यूएशन अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है। हो सकता है इसमें से 100 न्यू एज कंपनीज लिस्ट हो और उसमें से शायद एक और दो कंपनी सक्सेसफुल हो जाए आगे चल के, बट आप और मैं वो नहीं बता सकते कि कौन सी कंपनीज अच्छी करने वाली है, तो इनसे तो दूर ही रहना चाहिए। सिद्धार्थ, मुझे याद है कि आपने कुछ पाइप कंपनीज काफी अहेड द कर्व जोड़ ली थी अपने पोर्टफोलियो से। हाँ, बहुत बड़ा हिस्सा है वो। अब हमने देखा है कि अभी हरिओम पाइप, वीनस पाइप में ब्लॉक डील्स हो रही है, प्रिंस पाइप, जेटीएल इंफ्रा, महाराष्ट्र सीमलेस, जिंदल स्टेनलेस। मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के नहीं लूंगा, लेकिन ये यूनिवर्स जो है, आपको अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल दिखता है जिस हिसाब से इंफ्रा में अब काम हो रहा है, मेटल पाइप कंपनीज? सी अजय, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी है, अगले 10 साल की तेजी है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। पिछले 10 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। आप रेलवेज ले लो, डिफेंस ले लो, रोड्स ले लो, वाटर सप्लाई ले लो, हर सेक्टर में बहुत तेजी है। और मेरे हिसाब से डिमांड आउटलुक अगले 5-7 साल के लिए बहुत अच्छा है। एक ही चीज पे ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट एक्सपेंसेस एंड गवर्नमेंट रेवेन्यूज, गवर्नमेंट रेवेन्यूज काफी अच्छे रहे हैं पिछले 1 साल में, जीएसटी कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन। तो अगर ये कलेक्शन अच्छा रहा तो गवर्नमेंट का फाइनली जो स्पेंडिंग होता है, मेजर स्पेंडिंग, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी है, ऑर्डर बुक लोगों के 3-3, 4-4 साल के है, एंड ऑर्डर लेने की जगह नहीं है अभी कंपनीज के पास में। तो मेरे ख्याल से 4-5 साल की विजिबिलिटी बहुत अच्छी लगती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, एंड वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है। ओके, ग्रेट। आप क्या, व्हेन यू से इंफ्रा, क्या आप कुछ ईपीसी कंपनीज भी ऐड कर रहे हैं, ये एनसीसी, पीएनसी, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस? हमारे पास में ईपीसी कंपनीज भी है, पाइप्स भी है। सी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा गैमेट है। आप उसमें डिफेंस ऐड कर सकते हैं, आप उसमें वाटर सप्लाई ऐड कर सकते हैं, आप उसमें रेलवेज ऐड कर सकते हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड, एंड काफी कंपनीज का ओवरलैप है। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी सिर्फ एक ही सेगमेंट में, कोई अगर कंपनी डिफेंस में है तो वो रेलवेज में भी है, कोई रेलवेज वाली है तो वो रोड कंस्ट्रक्शन में भी है। सो इनका जो स्पेक्ट्रम ऑफ वर्क है वो सब सेक्टर्स को कवर करता है, एंड मेरे ख्याल से ओवरऑल ये सेक्टर्स में बहुत ग्रोथ आएगी। राइट, एब्सोल्युटली। सिद्धार्थ, इंफ्रा के तो खैर कई सारे गैमेट्स पर आप बात कर रहे हैं, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कौन से थीम्स आपको ज्यादा पसंद आएंगी, सबसे टॉप प्रेफरेंस बेट्स होंगी आपकी? आई थिंक B2B मैन्युफैक्चरिंग। एक चीज हमें ये देखना है कि पिछले अभी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया पिछले 1-2 साल से ही पिकअप हुआ है। इसके पहले हम सब चीज चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। अब गवर्नमेंट का फोकस, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनका एक्सपोजर, इनका जो फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से आप PLI ले लीजिए, या आप स्टेट गवर्नमेंट्स की GST स्कीम देख लीजिए फॉर सेटिंग अप न्यू प्लांट्स, या आप अपने गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है विथ ऑस्ट्रेलिया और UAE और गल्फ और अभी इंग्लैंड की भी बात चालू है। तो मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा इम्पेटस मिलने वाला है आगे चल के, और बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गया। ठीक है, खैर इस बीच आपकी जो लिस्ट है सर, उसमें जो बुलिश है, आप फार्मास्यूटिकल्स पे भी हैं। सिद्धार्थ, इसकी रीजनिंग बता सकते हैं कि आप क्यों बुलिश हैं, और उसमें दो अलग अलग हिस्से हैं, एक तो ग्लोबल वाला हिस्सा होगा, एक हार्डकोर डोमेस्टिक वाला हिस्सा हो गया। बुलिश का जो परसेंटेज है वो कहाँ पे ज्यादा है, ग्लोबल वाले में कि डोमेस्टिक वाले में? नहीं, आई थिंक अगेन वही मैं बोल रहा हूँ, बेटर कंपनीज जो है उनका एक्सपोजर दोनों कंट्रीज में है, दोनों जगह पे है। अब जो बड़ी कंपनीज लेंगे उनका एक्सपोजर दोनों जगह पे। हालांकि फार्मा हमें अच्छा लगने लगा है, हमने कुछ ऐड नहीं किया है, बट वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो गए हैं एज अ सेक्टर। ये सेक्टर ने पिछले 5-7 साल के रिटर्न्स आप देखेंगे तो मोर और लेस फ्लैट है। सो
एज अ सेक्टर निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने कुछ ज्यादा किया नहीं है पिछले 5-7 साल में, एंड वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गई है. लुक, इंडियन फार्मा जो है ग्लोबली इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेटिव. आज जो इंडियन फार्मा सेक्टर कंपनीज है, आप चाहे यूएस ले लो, साउथ अमेरिका ले लो, कहीं पे भी आप चले जाइए, इट इज डोमिनेटेड बाय इंडियन फार्मा. तो मेरे हिसाब से ये कंपनीज के अंदर में बहुत स्ट्रेंथ है एंड कई जगह पे वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए. सिद्धार्थ, यू नो, आपसे बातचीत करने के बाद जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं वो कंज्यूमर स्पेस से हैं, लेकिन कंज्यूमर में जो एफएमसीजी स्पेस है, देखिए वरुण बेरी जी इस समय रेडी हो रहे हैं ज्वाइन करने के लिए. चीज़ के बिजनेस में उन्होंने काफ़ी बड़ा कदम उठाया है, तो हम उन पर बात करेंगे उनसे. लेकिन मैं जाने से पहले आपसे व्यू लेना चाहता हूँ, ये जो पूरा स्पेस है इसमें जो रूरल सेंट्रिक एफएमसीजी कंपनीज हैं वहाँ थोड़ी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक लंबे दौर के बाद शायद अब टीयर टू टीयर थ्री और रूरल साइड पर डिमांड वापस आ रही है. डाबर है, एचयूएल है, क्योंकि हीरो मोटर ने बोल दिया आके कि उनको अपने ऑन ग्राउंड रूरल साइड पर डिमांड का रिवाइवल दिख रहा है. मार्जिन प्रेशर के चक्कर में ये सारी कंपनीज ने बहुत अंडर परफॉर्म किया लास्ट 1-1.5 साल से. क्या आपको इसमें रुचि है या आप इसको अवॉइड करेंगे, आप ज़्यादा डोमेस्टिक सेंट्रिक हाई ग्रोथ रीजनेबल वैल्यूएशन वाली कंपनियों पे ही फोकस करते रहेंगे अपने फंड में? सी, वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है. ब्रिटानिया से मैं 2005 में मिला था जब मिस्टर बेरी नहीं थे, पर वो टाइम पे स्टॉक 10 PE मल्टीपल पे मिलता था. तो मेरे हिसाब से अभी एफएमसीजी सेक्टर में वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है और हम लोग इसको अवॉइड करेंगे. ठीक है, ऑल राइट सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के. थैंक यू अजय, थैंक यू, बाय. ये थे सिद्धार्थ भैया और बात कर रहे थे अपने पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी को लेके. लेकिन हम इस